नमस्कार दोस्तों, माता राम सेवा में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल, जिनके दर्द की समस्या बनी रहती है बात टंक नष्ट करना, जिनको गंभीर समस्याओं से जुड़े जाते हैं, जिनके घुटने का, पैरों का, एड़ी का जितनी भी समस्या है उसके लिए, जो कि एसिडिटी बढ़ जाना, ऐसे अनेकों समस्या को दूर करने के लिए आज बताएंगे कि किन किन लक्षणों से ये परेशान रहते हैं, किन किन रोगों से ये परेशान रहते हैं। जो दर्द की समस्या बहुत ही अभी के समय में लोग को हालत खराब हो जाता है, तो इससे परेशानी से बचने के लिए एक अनोखा आपके पास लेके आएंगे, जिससे कि आप इसको शुद्ध आयुर्वेद में इसको प्रयोग करेंगे, जो कि आपको बताएंगे जिनको एड़ी में है, घुटने में है, कंधे में है, या कोई नस बिल्कुल आने जाने के मार्ग में उसको बाधित होता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक ये औषधियां काम करती है। इस औषधि को हम बताएंगे, इसका परिचय कराएंगे कि यह क्या है और इसके लक्षण है दर्द का, एड़ी, घुटना, कंधे, बाजू जितनी है उसमें दर्द रहता है, इसको सबसे आसान तरीका से आप इसको से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए कि जो भी नया नया चीज आता है तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप लोगों के पास सबसे पहले इसका फायदा मिले। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को भी दर्द की समस्या बनी रहती है, तो उनसे दर्द को छुटकारा पाने के लिए सबसे लाभदायक और सबसे ही फायदेमंद है, क्योंकि 40 के बाद प्रत्येक व्यक्ति को दर्द की समस्या उत्पन्न होने लगती है, और घुटने में, एड़ी में, कोहनी में, बाजू में, ऐसे अनेकों जगह दर्द होता है, कमर में, जिससे छुटकारा पाने के लिए आपको ग्रीसिंग पावर करना पड़ता है, अनेकों चीज आपको लेना पड़ता है, उससे छुटकारा पाने के लिए सबसे आसान तरीका, इसको नष्ट करने के लिए, दर्द को जो बात टंक है उसको नष्ट करने के लिए सबसे आसान उपाय है, जीवन का सबसे लाभदायक औषधि है, सबसे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में हम बताएंगे। जिनकी जो समस्या है, जिनको अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हो, तो ये जो तेल है इसको प्रयोग करना है। तो जो जूझ रहे हो, जिनकी समस्या कष्टदायक है, बहुत दुख से, बहुत उम्र ढलने के बाद प्रत्येक आदमी को ये दुख महसूस होता है, ये दुख होता है, तो इससे दर्द होता है, तो जिनके लिए ये औषधि है, ये बहुत ही है। ये आप देख रहे हैं, ये तेल है, ये ऑयल है, और इससे किस औषधि से ये ऑयल बनता है ये सब जानते हैं। इन औषधियों के सेवन करने के लिए बताएंगे, इसके नाम बताएंगे, इसके परिचय कराएंगे, इसका क्या काम है, औषधि से हम कैसे लाभ लेंगे, और इस ऑयल को क्या प्रयोग करेंगे, इसके लिए अधिक मात्रा में आपके बीच में बताएंगे, इसका परिचय करा देते हैं कि ये औषधि बहुत ही एरंड नाम है इसका, एरंडी। तो एरंडी को कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में बताएंगे। जिनकी समस्या अनेकों दर्दों से लगा रहता है, जिनको बात टंक की होता है, दर्द बढ़ता है, बहुत ही कष्टदायक हो जाता है, तो इसको समाप्त करने के लिए इन औषधियों के द्वारा हम करेंगे कि यह औषधि जो है आपके लिए बहुत ही कारगर है, और इसको अनेक रूप में इसको औषधि को सेवन कर सकते हैं। आप घर बैठे आपके इर्द गिर्द में मिल जाएंगे। इस चम्मच से 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच दोपहर, 3 चम्मच शाम आप सेवन करेंगे, आपका 1 महीना पर्याप्त में आपका, और जल्द से जल्द इसको आपको दर्द की जो समस्या है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो दर्द में जो नस कहीं दब जाता है, कहीं नस को सिकुड़ जाता है, कहीं उसको सिकुड़न हो जाता है, जिसके चलते आपको पैर में झिनझिनाहट रहता है, दर्द रहता है, और झटका देता है, नस घिसता है, तो उन सारी समस्याओं के लिए इसके लिए बहुत ही उपयोगी औषधि माना गया है, औषधि है। तो इसको अरंडी का आप हमेशा इसको सेवन करें। जिनकी उम्र 40 के बाद हो गई हो, प्रत्येक व्यक्ति को इनको लेना चाहिए, जिससे कि इनको चिकनाहट की भी कमी हो गया हो तो पूर्ण रूप से उनको फायदा मिल जाएगा, इसलिए आप इसको सेवन करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।